इस दुनिया में पूरा खेल समय का है। अगर आप कोई काम दूसरों से जल्दी कर सकते हैं तो आप जिंदगी में दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना मुश्किल है, क्योंकि दो लोगों को अगर एक तरह का काम दिया भी जाए तो हो सकता है कि एक आदमी उस काम को बहुत जल्दी निपटा दे जबकि दूसरे को बहुत ज्यादा समय लगे। तो ऐसा क्यों होता है और किस तरह से कोई भी इंसान बड़े से बड़े लक्ष्य को भी कम समय में हासिल कर सकता है, आज इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको चार ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% तक बढ़ा पाओगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, इस दुनिया में बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। मान लो कोई एक देर से उठने वाला इंसान है, उसको सुबह 5 बजे एक ट्रेन पकड़नी है। स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो अगर उसको टाइम से स्टेशन पहुंचना है तो उसको 3 बजे उठना पड़ेगा ताकि वो उठकर फ्रेश होकर अपना तैयार होके टाइम से पहुंच जाए। अब आज जब वो सोने जाएगा तो उसके मन में ये विचार होगा कि कुछ भी हो जाए कल तो 3 बजे उठना ही है वरना ट्रेन छूट जाएगी, और इस चीज से उसके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो जाएगी। अब कल सुबह 3 बजे जब अलार्म बजने से पहले ही वो आदमी उठ जाएगा और चाहे उसको कितनी भी नींद लगी हो वो बिस्तर से उठेगा और अपने जाने की तैयारी करेगा। तो बस यही चीज है, अगर किसी काम को करने की तीव्र इच्छा जुनून हमारे अंदर होना तो चाहे 100 मुश्किलें भी आए लेकिन हम वो काम पूरा करके ही रहेंगे। जैसे कि इलॉन मस्क खुद कहते हैं, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू विल डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यानी अगर कोई काम करना आपके लिए इतना जरूरी है तो आप उस काम को पूरा कर लोगे फिर चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। देखो, हम प्रोक्रास्टिनेट तभी करते हैं जब हमारे अंदर उस काम को करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, और जब रीजन नहीं होता तो डिजायर भी नहीं होती। इसलिए जब भी कोई काम करने बैठो तो सबसे पहले उस काम को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन खुद को दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई आदमी एक गरीब परिवार से आता है और इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए वो अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, तो अब उसको अपने बिजनेस पर दिन रात काम करने के लिए किसी तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उसके पास काम करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, खुद को गरीबी से बाहर निकालने का, फाइनेंशियली फ्री बनने का। तो अब वो हद पार करके मेहनत करेगा, किसी भी हाल में खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना के रहेगा, और यही होती है विल पावर की शक्ति। जब हम कोई काम करने का डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड करना माने खुद को बोलना कि मुझे ये काम करना ही है फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तब वो काम हमने जितना सोचा था उससे कम टाइम में ही हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी को 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में हासिल करना है तो सबसे पहले ये देखो कि आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने पागल हो, आपके अंदर कितना जुनून है, यही सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद अगली चीज, नंबर 3, फोकस प्रोडक्टिविटी का बाप है। चाहे 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में हासिल करना हो या 10 घंटे के काम को 1 घंटे में पूरा करना हो, प्रोडक्टिव बनने के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई है तो वो है फोकस। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हो तो वो काम आप बहुत जल्दी पूरा कर लेते हो। ब्रूस ली ने कहा था कि अ सक्सेसफुल वॉरियर इज एन एवरेज मैन विद लेजर शार्प फोकस, यानी कि एक जो सफल योद्धा होता है ना वो भी एक नॉर्मल इंसान ही होता है, बस उसका फोकस लेजर जैसा शार्प होता है। दोस्तों, जब हम अपनी पूरी 100% अटेंशन किसी काम को देते हैं तो वही फोकस कहलाता है, लेकिन आज के टाइम पर तो लोगों का अटेंशन स्पैन सिर्फ कुछ मिनटों तक सीमित रह गया है, और यही वजह है कि जो काम 1 घंटे में होना चाहिए उसको करने में भी लोगों को कई घंटे लग जाते हैं। तो एक काम में फुल फोकस कैसे करें? मल्टीटास्किंग को जीवन से निकाल दो, एक समय पर एक ही काम करो और उस काम को अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन दो। पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ गए होंगे, सोशल मीडिया के लिए आपने अलग टाइम सेट कर रखा है और आप सिर्फ तभी उसको यूज करोगे। ये समय आपका पढ़ने का, और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बस इस सोच के साथ पढ़ने बैठो। और ऐसा मत सोचो कि किताब खोलोगे और तुरंत फोकस से पढ़ने लग जाओगे, कम से कम 30-40 मिनट किसी काम को लगातार करने के बाद ही हम फोकस की टॉप स्टेट में पहुंचते हैं, तो उतना समय तो देना ही होगा। लेकिन उसके बाद जब आप फोकस से उस लेवल पर पहुंचोगे तो आपके सब काम चुटकियों में होने लगेंगे। पढ़ रहे होंगे तो सब समझ में आएगा, कुछ सीख रहे होंगे तो सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। फोकस आज के टाइम पर एक सुपर पावर है, लोग एक काम पर फोकस कर ही नहीं पाते और इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आपने फोकस की इस पावर को मास्टर कर लिया, अगर आप ध्यान लगाकर काम करना सीख गए तो लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे पूरा कर दिखाओगे। नंबर 2, मुश्किलों को अपना दोस्त बना लो। देखो दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कई दिन ऐसे आते हैं जब उसका काम में खूब मन लगता है, सब सही जा रहा होता है, वो अच्छे से अपना काम कर रहा होता है। लेकिन ऐसे अच्छे दिनों में, अच्छे समय में तो हर कोई प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब समय खराब हो, जब काम करने का मन ना करे,
जब कुछ भी अपने हिसाब से ना चल रहा हो, जब बार बार डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर रही हो, तब भी आप काम में लगे रहो, तब भी काम करते रहो, इसी चीज से डिसाइड होता है कि आपको आपका लक्ष्य हासिल होगा या नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा यार, तो मैं काम नहीं करूंगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन बाजी वही मारता है जो ये कहे कि मन नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको जिंदगी में जल्दी सफल होना है तो आपको मेहनत भी उसी हाई इंटेंसिटी के साथ करनी होगी। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दो और काम करते रहो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि मन की फितरत बंदर की तरह होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह उछलता कूदता रहता ही है। और इसीलिए जिंदगी में कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो तो मन पर काबू करना सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आपको अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है तो आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, दर्द को सहना पड़ेगा। नंबर वन, डेथ बेड मेंटालिटी डेवलप करो। हमें लगता है कि यार जिंदगी तो बहुत बड़ी है और अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब आप गौर करते हो तो आपको समझ आता है कि कैसे एक दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और एक एक दिन करते करते महीने निकल जाते हैं और महीनों से साल बीत जाते हैं, और ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। और जब इंसान बिल्कुल मरने की कगार पर होता है तब उसे पछतावा होता है कि काश उसने जिंदगी में कुछ कर लिया होता, अपने सपने पूरे कर लिए होते। लेकिन सोचो अगर यही मेंटालिटी हम अपने अंदर पहले से ही डेवलप कर लें तो कितना अच्छा होगा। इसी को डेथ बेड मेंटालिटी कहा जाता है। इस मेंटालिटी के मुताबिक आप अपना हर दिन ऐसे जीते हो जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और ऐसा करने का फायदा ये होता है कि आप हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। इस डेथ बेड मेंटालिटी का यूज रॉबिन शर्मा भी करते हैं, और आप भी इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वो चार बातें जिन्हें अपनाकर आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 4 महीने में पा सकते हो। मैं सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, इस दुनिया में बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर किसी काम को करने का जुनून होगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, तो आप वो काम कर जाओगे, फिर चाहे हालात कुछ भी हो। नंबर 3, फोकस प्रोडक्टिविटी का बाप है। अगर आपके पास किसी काम पर कॉन्टिन्यूसली फोकस करने की क्षमता है तो समझ लो कि आपके पास एक सुपर पावर है, क्योंकि अगर कोई काम पूरे फोकस के साथ किया जाए तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है और उसको करने में कम से कम समय लगता है। नंबर 2, मुश्किलों को अपना दोस्त बना लो। ज्यादातर लोग शुरू में तो अपने गोल पर काम कर लेते हैं क्योंकि शुरू में वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है और काम में मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यही वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और मुश्किलों को अपना दोस्त मानकर आगे बढ़ते रहना है। नंबर 1, डेथ बेड मेंटालिटी। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। एक दिन हर कोई यहाँ से जाने वाला है और समय हाथ से छूटता जा रहा है, इसलिए हर दिन ऐसे काम करो जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये चीज आपको समय की वैल्यू करने पर मजबूर कर देगी और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।